तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव का पावर फाइव। तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव का पावर फाइव। यहाँ पे हम u को मानते हैं टू एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे हम चेन रूल का यूज करेंगे। डिवाइड डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस फाइव का पावर फाइव। यह हो जाएगा हमारा डी वाई डी यू यू टू द पावर फाइव इंटू डी यू बाय डी एक्स। हमारा यू टू द पावर फाइव का डेरिवेटिव होगा फाइव यू टू द पावर फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फाइव यू टू द पावर फोर। डी यू बाई डी एक्स होगा हमारा डी वाई डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे हम कोसेंट रूल का यूज करेंगे। हमारा कोसेंट रूल होता है डीवाई डी एक्स जी एक्स बाय एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स
एच डैश एक्स डिवाइडेड बाय एच एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव डी बाई डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री माइनस 2x plus 3 dy dx x plus 5 divided by x plus 5 ka whole square। हमारा हो जाएगा एक्स प्लस फाइव डी वाई डी एक्स टू एक्स प्लस डी वाई डी एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री डी वाई डी एक्स एक्स प्लस डी वाई डी एक्स फाइव डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस फाइव टू प्लस जीरो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वन प्लस जीरो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस फाइव टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टेन माइनस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सेवन बाय एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर।
therefore dy dx x plus 3 by x plus 5 to the power 5 is equal to 5 u to the power 4 into 7 by x plus 5 ka whole square is equal to 5 to x plus 3 by x plus 5 to the power 4 7 x plus 5 ka whole square to ye ho jayega 35 2 x plus 3 to the power 4 divided by x plus 5 to the power 6 तो ये हमारा आंसर है।